नमस्कार। कल 20 तारीख है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से उन क्षेत्रों में जहां पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है वहां पे लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं, दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की, पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई है। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है, किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे, इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिया उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है, रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी, कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पर एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए
हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते, लेकिन अंदर लोग तो लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते, काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया, जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताए ताया चाचा ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं, कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहां जहां कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहां एक भी नए केस नहीं मिले, और जहां लोगों ने बात नहीं मानी वहां पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं, 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 आईसीयू में है, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ जाती, मान लो 2500 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती, और ज़्यादा लोगों को, इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई, सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। आज दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना, विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए। उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूं ढिलाई, इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा, लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है, और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जाने चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं।
लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार।